आपने वो इग्नोर किया तो बारिश के मौसम में वहाँ का रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। बारिश शुरू होने से पहले आपकी बाइक में ये काम ज़रूर करवाना। अभी जस्ट मैंने मेरी वंटन को वॉश किया है, उसको वॉश करवाते करवाते मैं पसीने से पूरा वॉश हो चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम टकाटक। पहले बाइक को पोंछ लेता हूँ, मतलब ड्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको करना क्या है। पहले ना बाइक को अच्छे से वॉश कर लो, सर्विस सेंटर में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे घर पे, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से सर्विस सेंटर बंद है। वॉश करने के बाद आपको ठीक से देखना है जितने भी मेटल पार्ट्स है बाइक में, उनके ऊपर कहाँ कहाँ कलर रिमूव हुआ है, कहाँ कहाँ रस्ट लगना शुरू हुआ है, क्योंकि क्या है ना अपनी बाइक में कुछ जगह पर फ्रिक्शन की वजह से जो मेटल पार्ट्स का कलर है वो निकल जाता है और वहाँ पर रस्ट लगता है। अगर आपने वो इग्नोर किया तो बारिश के मौसम में वहाँ का रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो जो मेटल पार्ट्स है वो ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। तो बस आपको वही चेक करना है और फिर सिंपल काम है, ब्लैक ऑयल पेंट लो, मास्टरपीस नहीं क्रिएट करना है। वहाँ पर जो कलर निकला है, जो पोर्शन है, उसको फिल करो ऑयल पेंट से और गाड़ी को ऐसे छोड़ दो। खास करके चेसी का पार्ट देखो, क्योंकि क्या है जो चेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बाइक की, बाकी जो पार्ट्स है वो चेंज हो सकते हैं। आपको बस चेसी जहाँ ज़्यादा विजिबल है और जहाँ जहाँ आपका हाथ आराम से पहुँच सकता है और जहाँ जहाँ कलर निकला है चेसी का, वहाँ पर चेक करो और वो फील कर दो। बस इतना ही करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है एक आपके लिए। इस वायर के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ये कलर निकल चुका है। अगर मैंने इसको फील नहीं किया तो बारिश के मौसम में यहाँ पर रस्ट लग सकता है। ऐसा और एक जगह है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी सामने देखो आपको छोटा सा रस्ट दिख रहा रहेगा, अगर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके वो बढ़ सकता है और वो पार्ट चेसी का है, वहाँ पर मेरा ब्रश पेंटिंग ब्रश आराम से पहुँच सकता है। अभी यहाँ पर देखो इस केबल के फ्रिक्शन की वजह से ये जो पीछे का मेटल है उसका कलर निकल चुका है और ऑलरेडी वहाँ पर रस्ट लग चुका है। इसको भी आप आराम से फील कर सकते हो, आपका पेंटिंग ब्रश और आपका हाथ भी यहाँ पर आराम से आता है। छोटी छोटी बातों को अगर नज़रअंदाज करोगे तो आगे जाके वो हानिकारक हो सकती है। वैसे ये छोटा छोटा सा रस्ट अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आगे जाके आपकी बाइक के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरी 110 को अभी 2 साल हो चुके हैं, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पर रस्ट लगना चालू हो चुका है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो RC बुक आती है उसके ऊपर आपके बाइक की एज आती है। मेरे बाइक की एज है, मेरे 110 की एज है 28, 20, 34, बहुत साल बाकी है। अगर मैंने एक छोटी छोटी रस्ट को इग्नोर किया तो ऐसी जगह पर फैल जाएगी जहाँ पर मेरे हाथ कितने भी लंबे होने दो उस रस्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। तो मुझे पूरी बाइक ओपन करके उसे रिपेंट करवाना पड़ेगा और उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर पैसे बचाना है तो अभी से छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद उसकी जो उम्र है, जो गवर्नमेंट ने उसको उम्र दी है, उसके पहले वो चल बसे। ध्यान देना ज़रूरी है, अगर नहीं ध्यान दिया तो आपको बताता हूँ क्या होता है। ये देखो अगर आपने नज़रअंदाज किया ना तो आपकी बाइक की चेसी का हाल इतना बुरा हो सकता है। बाइक को ज़्यादा धूप में मत खड़ी करना, ज़्यादा बारिश में भी मत खड़ी करना। कोशिश करो कि छाव वाली जगह पर आपकी बाइक खड़ी रहे तो आपके बाइक का जो पेंट है वो भी डल नहीं होता। तो इस बात का ख्याल रखना, आपकी बाइक अच्छी रहेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। तथास्तु।